दिया है ऑल्टर, एक वेबसाइट है और एक मेथड भी है जहाँ पे होता है कि आप आओ अपनी प्रॉब्लम लिखो, नो मैटर व्हाट हु यू आर, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है और उसका सॉल्यूशन या तो हम देते हैं या फिर जिनकी प्रॉब्लम आपसे सिमिलर है एंड दे हैव अ एक्सपीरियंस एंड दे हैव अ सॉल्यूशन, वो आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं कमेंट बॉक्स पे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, इट वॉज़ अ ड्रीम फॉर मी, बट जब मैं एंटरप्रेन्योर एकेडमी में आया आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक के जैसे बाकी बिजनेस कोर्सेज में होता है कि आप आओ पढ़ो जाओ कुछ करो ना करो दे डोंट केयर, इट वॉज़ लाइक दैट दे आर विद मी एट एवरी सिंगल स्टेप, दे वर विद मी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा आइडिया क्या है, उसे क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। रियल लाइफ में क्या एक्सपीरियंस होता है या कैसे डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है, स्कूल में ये सब नहीं सिखाते, बट SOF में उन्होंने हमें दिखाया कि लुक बाहर बहुत तगड़ा कंपटीशन है लेकिन इफ़ यू हैव अ आइडिया एंड दैट आइडिया हैव अ पोटेंशियल एंड यू बिलीव इन योर सेल्फ यू कैन चेंज द वर्ल्ड। एक तो मैंने पैसे कमाने सीखे, दूसरों की हेल्प करनी सीखी, न्यू फ्रेंड्स बनाए और कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करते हैं, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल में रखते हैं, अपना आइडिया दूसरों को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना हो तो उसे कैसे ढूंढते हैं, आई लर्न ऑल दैट थ्रू दिस जर्नी। और अगर शायद मैं ये मतलब उस टाइम पे जब मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा था इसकी ऐड देख रहा था, अगर मैं आगे स्किप कर देता तो शायद लाइक ये 3 महीने मैं घर पर आराम से बैठा होता, मूवीज़ देख रहा होता, शोज़ देख रहा था और मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं होता कि क्या टफ सिचुएशंस फेस करनी पड़ती है इन सब के दौरान। इट वाज लाइक कि मुझे कुछ भी नहीं पता था कि करना क्या है, एंटरप्रेन्योर होता क्या, मुझे वो भी नहीं पता था। दे हेल्प्ड मी सो मच दैट आई कांट बिलीव दैट आई एम द सेम साहिबजीत बिफोर 100 डेज अगो, आई एम टोटली चेंज्ड।